कराची से खबर है जहां एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाका हुआ, जहां चीनी नागरिकों के काफिले पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की लड़ाकों ने हमला किया। रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई 7 चाइनीज की डेथ हुई है, 22 चाइनीज उसके अंदर घायल हैं और कई उसमें से काफी सीरियसली इंजर्ड हैं, जिससे ये पता चलता है कि साहब जो डेथ टोल है वो ऊपर जा सकती है। अब चाइनीज टारगेट होंगे, अब थोड़े दिनों बाद एसईओ की कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं क्यों ऐसे किया जाएगा? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला किया है, अब जो चाइनीज हैं उनको टारगेट करना किसका है? अब इंडिया जो है या बहुत सारे ममालक जो है, अब मिसाल दें, चाइनीज प्रीमियर पाकिस्तान आ रहे हैं 11 साल बाद, प्राइम मिनिस्टर सुना 11 साल बाद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, मुझे बात बताएं आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं चाइनीज प्राइम मिनिस्टर? ऐसा धमाका जिस धमाके को आधे कराची शहर में सुना और धुआं उसका जो निकला था वो बहुत दूर तक देखा गया। इंडिया के जयशंकर साहब भी वहां जाएंगे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच रहे हैं और दूसरे बड़े बड़े रशिया के भी पहुंचेंगे, वहां पे सारे बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े लोग वहां पहुंचेंगे। उससे पहले इतना बड़ा धमाका पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं? वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान में आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ है कराची एयरपोर्ट में, बीएलए ने कराची एयरपोर्ट में सोचिए आप चाइनीज नागरिकों को मारा है। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बहुत लंबे समय से पाकिस्तान में चाइनीज नागरिकों को टारगेट करती है, और बेसिकली इनका टारगेट करने का रीज़न ये है कि बलूचिस्तान में कोई भी चाइनीज़ किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं कर सकता, ये रीज़न। अब चाइनीज ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिशमेंट देख करें उन लोगों को। ये अमेरिकन स्टाइल है कि जी आप हमें पनिशमेंट कराएं, ये करें। अमेरिकन तो फॉलो अप करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि जहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी हो, बीएलए हो, मैं आपको पता है इस पे बारे में बड़ा क्लियरली बात कर चुका हूँ कि क्यों टारगेट करता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को, पहली बात तो यह है कि दे वॉन्ट टू इंटरनेशनलाइज द इशू, दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ऐसा धमाका जिस धमाके को आधे कराची शहर में सुना और धुआं उसका जो निकला था वो बहुत दूर तक देखा गया। क्या मिसमैनेजमेंट थी कराची एयरपोर्ट पे, सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है पाकिस्तान के, क्या मिसमैनेजमेंट थी? लेकिन इस पर इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था 40 चाइनीज लोग, 40 चाइनीज जो के आ रहे थे चाइना से पाकिस्तान और वो आ रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, हुआ है ये सिर्फ एक हफ्ते पहले हुआ है उस इतनी बड़ी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस से, जो के जिसमें करीब 25 कंट्रीज के ऑफिशियल्स आने वाले हैं, टॉप ऑफिशियल्स। इंडिया के जयशंकर साहब भी वहां जाएंगे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच रहे हैं और दूसरे बड़े बड़े रशिया के भी पहुंचेंगे, वहां पे सारे बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े लोग वहां पहुंचेंगे। उससे पहले इतना बड़ा धमाका पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं? होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोको, कारोबार बंद करो यहाँ पे। अब चाइनीज टारगेट होंगे, अब थोड़े दिनों बाद एसईओ की कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं क्यों ऐसे किया जाएगा? जब आपको इस चीज का पता है क्यों ऐसे किया जाएगा? बीएलए, अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है 20 साल की, वो कह रहे हैं जी हमारी इनकी स्ट्रगल है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ लड़ रहे हैं जी, ठीक है जी, जिसे वो कहेंगे ना रोज कोई ना कोई बंदे मारते हैं, पंजाबियों को टारगेट करते हैं, चाइनीज को टारगेट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि दबाएं, उनको कमजोर करें। मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिस शख्स ने इस मुल्क में आग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सारा दिन पाकिस्तान के टीवियों के ऊपर तमाशे चलते रहते हैं और हम देखते रहते हैं कि जी चढ़ाई कर दी जी, मुझे यकीन करके माने, मैं अभी एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ रहा था,
तो जहाज में सारे पाकिस्तानी एक ही गल कर रहे थे, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो गए, वहां तबाही हो गई है, ये हो गई है। जब सड़कों पे जोर नजर आएगा तो दुनिया ने परेशान तो होना ही है, लोगों ने तो कहना ही कहना है यार अब तबाही की, वो जिसे कहते हैं ना हालात बुरे हो गए, हालात खराब हो गए, हालात बड़े गंभीर है, लोगों ने तो कहना ही कहना है। जब लोग हमें मैसेज करते हैं दुनिया से कि क्या बन रहा है यार वहां पे, सुने ऑप्टिक्स ठीक नहीं है वहां पे, क्या हो रहा है। ठीक है, सियासतदान इस मुल्क को आग में झोंक रहे हैं, इनकी तस्कीन ये है कि मुल्क में आग लगे, वहां दहशत गर्द आपके ऊपर हमले कर रहा है, ना वो देखता है आप पंजाबी हैं, ना वो देखता है आप पठान हैं, ना वो देखता है आप चाइनी हैं, ना वो देखता है आपकी फौज है, ना वो देखे आपकी पुलिस है। पैसा लगाने के लिए साथ में वो आ रहे थे, उसमें कुछ इंजीनियर्स थे जो कि डेवलपमेंट पे या सीपीईसी पे काम कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। एक 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 वो भी आई प्रेस रिलीज जीएन बलूच की, मैं जीएन बलूच की प्रेस रिलीज पढ़ देता हूं। जीएन बलूच कौन है? ये स्पोक्स पर्सन है बलूच लिबरेशन आर्मी की, और उन्होंने बोला है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की बलूच लिबरेशन आर्मी फिदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड टारगेटेड अ हाई लेवल कॉन्वॉय ऑफ चाइनीज इंजीनियर्स एंड इन्वेस्टर्स डिपार्टिंग, इन्होंने डिपार्टिंग गलत लिखा है, वो अराइविंग था, डिपार्टिंग फ्रॉम जिन्ना एयरपोर्ट इन कराची इन अ फिदाइन बीआईईडी अटैक, सेवरल चाइनीज नेशनल्स एंड देयर सिक्योर्ड पर्सन्स वर एलिमिनेटेड, बीएलए has claimed responsibility for the attack. Further details will be released to the media soon. जीएन बलूच डेट उन्होंने लगाई कि पूरी फोर्स है वो तो सो रही है ना, इनको पता नहीं है, इनको इनको चिंता भी नहीं है। अच्छा, इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता लगा? वो नंबर वन फोर्स को क्यों नहीं पता लगा? वर्ल्ड की नंबर वन इंटेलिजेंस आईएस है, क्योंकि वो तो इमरान खान के आदमियों को पीटने में लगी थी ना, वो इस चीज में लगी है कि जाकिर नायक वो भी इसी शहर में बम फटाओगा तो उनको पता लगा होगा और वो घबरा गए होंगे, पानी वानी पिया होगा, उन्होंने सोचा होगा आज रात ही भाग लेते हैं। क्या अभी तक भागे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, वो कराची में कितने दिन रहेंगे मुझे ये भी नहीं पता। एक बात तो समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ से खिसक लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मैं मुझे 72 हुरे मिल सकते हैं, वैसे भी सामने फट गया बम तो वैसे हो जाएगा, नहीं तो डर से मर जाऊंगा मैं, ऐसा भी होता है। और दूसरी चीज, ये हमला जो वो कुछ भी नहीं देखता, वो ये देखता है आप पाकिस्तान है, आपके ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान कमजोर होगा, बस कर दो, उसको एक चीज नजर आती है। बहरहाल, अब ये जो चाइनीज पे आपने टारगेट कर दिया है, जी जी बलोच जी लिबरेशन आर्मी बीएलए यार कैसे काम कर सकती है जब तक उसके पास पैसा ना हो? यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, सुइसाइड बॉम्बिंग करती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं जी कि हमारा क्या, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करेंगे, हम तो जहां जहां चाइनीज हैं उन पे टारगेट करेंगे, ठीक है, हम तो पंजाबियों पे टारगेट करेंगे ताकि हमारा रौला मचे ना, मसले को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है। वो कहते हैं, वो एक हमारी है पाकिस्तान से महरूम बलोच साहबा, वो भी यही करती है जी, मसले को इंटरनेशनलाइज करना है। वो क्या करती हैं कि वो जो दहशत गर्दाना हमला होते हैं वो इसको तो कंडेम नहीं करती, इसके ऊपर वो इतना को कह देंगी कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं, ठीक है, वो अवाम में एक पॉलिटिकल एंड सिविलियन सपोर्ट तैयार करती हैं, और जो दहशत गर्द ग्रुप है ये डायरेक्ट टारगेट करते हैं ताकि मुल्क के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान के मसले जेन्युइन नहीं है, बड़े जेन्युइन बातें वो करती हैं महरंग बलोच और उनके बहुत सारे साथी, बहुत जेन्युइन बातें करते हैं। अब वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, फौज के ऊपर, डेली बुनियादों पे, उनको समझ आ गई है, उनको भाई साहब समझ आ गई है, चाइनीज को टारगेट करो, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब टारगेट करो, फिर ये टेंशन शुरू होगी जी कि वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है। अब जो चाइनीज हैं उनको टारगेट करना किसका है? जापानीज को, फॉरेन इन्वेस्टर को टारगेट करना है। अब इंडिया जो है या बहुत सारे ममालिक जो है, अब आप मिसाल दें, चाइनीज प्रीमियर पाकिस्तान आ रहे हैं 11 साल बाद, प्राइम मिनिस्टर सुना है, 11 साल बाद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, मुझे बात बताएं आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को? यही मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज है चाइनीज वजीर आजम के लिए, ये मैसेज है बाकियों के लिए। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कराची एयरपोर्ट में चाइनीज़ नागरिकों पर हमला किया और चाइनीज़ नागरिकों को मारा।
ये कोई पहली घटना नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच क्रांतिकारियों ने, मैं तो उनको क्रांतिकारी बोलूँगा, ऑब्वियसली बलूचिस्तान 1947 11 अगस्त को आज़ाद हुआ था भारत पाकिस्तान को, जब ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी, मतलब भारत को आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान एक नई कंट्री वजूद में आया था, उससे पहले बलूचिस्तान आज़ाद हो गया था। बलूचिस्तान के साथ सीन ऐसा है कि आप समझें, बलूचिस्तान और जो नेपाल और बहुत सारी भारत में प्रिंसली स्टेट थी, वो सीधे होती थी कहाँ से, विक्टोरिया से, मतलब वहाँ की रानी के अंडर में आती थी। आप उसके बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। और बाईस राइज के अंदर में आते थे बाकी जो इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट थे, तो वैसा कुछ सीन था। बलूचिस्तान को बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान का केस लड़ रहे थे और उन्होंने अवैध तरीके से बलूचिस्तान में कब्जा किया। गवादर को पाकिस्तान ने ख़रीदा था ओमान से, तो आप ये भी समझ सकते हो, और वो पोर्ट हम खरीद सकते थे, हमारी जैन कम्युनिटी ने बोला था, बट जवाहरलाल नेहरू ने कुछ आपत्तियाँ जताई जिसके कारण वो हमने नहीं खरीदा। ओके, ये अलग स्टोरी है, बट ये बात ये है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपैक, उसके तहत चाइनीज़ नागरिक पाकिस्तान में आते हैं, बलूचिस्तान में घुसते हैं, तो बलूच क्रांतिकारी उन पर जम के हमले करते हैं। उनकी बेसिक डिमांड है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में वो कोई भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क ना करें, यही वो चाहते हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक?